हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विद्याश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल नया कोर्स जो आपका है एनडीए मैथ्स का। तो यहाँ पे मैं आपका एनडीए मैथ्स का एक पूरा कोर्स आपके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ आपको। और आप बारी आती है कि ये कोर्स में स्पेशल क्या है। तो ये कोर्स जो आप खरीदते हो, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसमें आपका जो खास काम, जो आपको खास बातें जानने को मिलेंगी वो ये होंगी कि हम बहुत कम टाइम में, बहुत आसान वे में, हम जो क्वेश्चन की जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो उसमें इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ों को करने वाले हैं। तो ये कोर्स आपको उन चीज़ों को समझाने में काफ़ी हेल्प करेगा जो आपने क्लास 11th और 12th में ढंग से प्रिपेयर नहीं किए। तो अब कोर्स बहुत ज़्यादा है, कम टाइम में उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, उन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को कितनी जल्दी पिकअप करना है, अगर आप इस चीज़ को ढंग से करना चाहते हैं तो ये कोर्स जो आपका एनडीए मैथमेटिक्स का है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम को हम इतना आसानी से समझते हुए चलेंगे कि जिन बच्चों को अगर ये चीज़ पता नहीं भी है पहले से, तो उनको अब ये चीज़ समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या समझने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे वेन डायग्राम को और डिटेल में जाने से पहले आपको दो चीज़ें और समझाऊंगा यहाँ पे। पहली चीज़ तो मैं समझाऊंगा, जो आप यहाँ पे कॉलम देखते हो, कॉलम तो नहीं बोलेंगे इसको, जो आप यहाँ पे गोले देख रहे हो ना, ये सर्कल टाइप के देख रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं वो बहुत काम की होती है। जैसे मैं यहाँ पे पहले वाला जो गोला मैंने बनाया, अगर मैं पी ए को लेके बात करूँ, और दूसरे वाला जो गोला मैंने यहाँ पे बनाया उसको मैं अगर पी बी को लेके बात करूँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या वो समझो। जैसे पहला वाला डब्बा क्या है आपका, पहला वाला डब्बा पूरा आपका दिखा रहा है ए को, ठीक है, और दूसरा वाला डब्बा किसको दिखा रहा है, ध्यान देना, दूसरा वाला जो सर्किल है, जो डब्बा है, वो किसको दिखा रहा है, पी बी को कंप्लीटली। मतलब ये पूरा पी बी है, ये पूरा पी है, बात करते हैं ये बीच वाला डब्बा है क्या, ये आपका दिखा रहा है ए और बी में जो कॉमन आ रहे हैं, ए और बी में जो कॉमन आ रहे हैं। मान लो 40 लोग, जो अगर मैं ए वाली कैटेगरी की बात करूं, ए वाली कैटेगरी की बात करूं, उसमें 40 लोग आते हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, या हम कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, बट कोई नहीं। अब मान लो ए कोई भी जो कैरेक्टर होगा उसके अंदर 40 पर्संस है, और जो बी कैरेक्टर है उसके अंदर मान लो 60% है, राइट। तो यहां पे ए और बी में कुछ अगर कॉमन है, ए और बी में यहां पे पार्ट किसको दिखाते हैं, कॉमन को दिखाते हैं, तो उसमें ऐसे लोग हैं जिसमें 30 कॉमन है, राइट। तो इसका मतलब है क्या, अगर मैं मान के चलूं कुछ देर के लिए, जो ए वाला है आपका, ये बैट्समैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आई मीन बैट्समैन भी मत बोलो, क्रिकेटर बोल दो, बहुत आसान रहेगा। पी बी वाला आपका रिप्रेजेंट करता है यहां पे मान लो फुटबॉल प्लेयर को, मतलब आपका फुटबॉल प्लेयर की अगर हम बात कर लें, वो पी बी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो 30 है, 30 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉलर भी हैं और आपका क्रिकेटर भी है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे प्योरली बात करूँ क्रिकेटर की, जो सिर्फ क्रिकेट ही पसंद करते हैं, फुटबॉल को पसंद नहीं करते हैं, तो वो जोन कौन सा हो जाएगा, सिर्फ आपका ये वाला जोन। वो जोन कौन सा होने वाला है आपका, सिर्फ ये वाला जोन, ध्यान देना, ये प्योरली किसको शो करेगा आपका, प्योरली क्रिकेटर को। तो ये जोन कितना हो जाएगा, सिर्फ 10, और ये पूरा कंबाइन कितना होगा, 40। ये पूरा कंबाइन कितना होगा, 40। ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बीच में, ये दिखा रहा है आपका कॉमन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, जो फुटबॉलर भी है एंड वो आपका क्रिकेटर भी है, तो वो 30 लोग हैं। अब मैं यहाँ पे प्योरली बात करूँ कि प्योरली फुटबॉलर कितने होंगे, तो वो पोर्शन कौन सा है आपका, ये वाला, थोड़ा इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका प्योरली किसको दिखा रहा है, जो आपका फुटबॉलर है, जो कि कितने हैं आपके, 60 - 30 कर दो, यानी 30। तो 30 लोग ऐसे हैं जो प्योरली फुटबॉल को, बस फुटबॉल खेलते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो प्योरली क्रिकेट को पसंद करते हैं, और 30 लोग पसंद करते हैं या क्रिकेट प्लेयर हैं, जैसा भी आप समझ लो, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बात करें, और 30 इसमें ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल को भी खेलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस अप्रोच से यहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है। तो अगर मैं इसके लिए एक जनरल फार्मूला बनाऊँ, एक जनरल कंबाइंड फार्मूला बनाऊँ, जो लोग आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो उसी फार्मूले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो वो आपका क्या होगा, पी ए यूनियन बी। अब मैं इन सबको लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट, कभी कभी लैंग्वेज के तौर पे आपको एटलीस्ट के वे में इसको पूछा जाता है। तो इस एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है,
कि कोई कम से कम एक प्लेयर तो हो, मुझे बताओ पी यूनियन बी इनका कंबाइन बताओ कितना है। कंबाइन तो नॉर्मली नहीं बोलेगा आपको, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की हमेशा पेपर की आदत होती है, तो वो उसी तरह घुमा फिरा के पूछेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटलीस्ट कोई एक तो प्लेयर हो, इनमें से कोई एटलीस्ट एक तो प्लेयर हो, तो एटलीस्ट एक का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल वाला भी चलेगा, यानी जो प्योरली क्रिकेटर है वो भी चलेगा, जो प्योरली फुटबॉलर है वो भी चलेगा, और जो कंबाइन वाले हैं वो भी चलेंगे, क्योंकि इसमें एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक, एक से ज्यादा हो वह भी चलेगा। तो आपका कितना आ गया, एटलीस्ट वाला केस भी हम बोलेंगे इसको कि एटलीस्ट वो एक प्लेयर तो हो, तो या फिर हम बोले इसका कंबाइन टोटल, ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें कंबाइन कितने लोग हैं, या मैं ऐसे बोलूं या मैं बोलूं इसमें एटलीस्ट वाला वर्ड लगा के बोलूं कि एटलीस्ट एक प्लेयर तो हो। तो दोनों केस में आप क्या यूज करोगे, ए यूनियन बी, और निकालते कैसे हो आप, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप कुछ लोग कहोगे कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पी ए पूरा कंप्लीट है, पी बी पूरा कंप्लीट है। तो जब आपने पी ए को लिया और आपने पी बी को लिया, तो साथ में जो बीच वाला पार्ट है दो बार इंक्लूड हो गया। पी ए में भी देखो ये आएगा, क्योंकि पी ए क्या है आपका पूरा कंप्लीट गोला, पी बी क्या है आपका पूरा कंप्लीट गोला, तो ये बीच वाली चीज दो बार आ गई। तो दो बार तो नहीं ले सकते ना, उसको लेना एक बार है, तो हम क्या कर देंगे उसको एक बार माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो यह हमारा कंबाइन पोर्शन निकल के आ जाएगा। तो ये अप्रोच, ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो तीन का कॉम्बिनेशन, यानी तीन गोले को लेकर के बनाया जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अगर तीन गोले को देखे लेके देखा जाए कि कैसे यहाँ पे चीजें एक्टिविटी होने वाली हैं, तो उनकी बात करें, तो एक गोला आपका हो गया, ये दूसरा गोला आपका हो गया, और ये तीसरा गोला आपका हो गया। ठीक है, ये आपका पी ए, ये आपका पी बी, ये आपका पी सी। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कंबाइन का फॉर्मूला बनाऊँ, कंबाइन का फॉर्मूला मतलब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इसको कंबाइन करके फॉर्मूला बनाऊँ, हालांकि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा बट आपने शायद मुश्किल से इस फॉर्मूले को समझा होगा, और अगर आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो आप इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। तो देखो, यहां पे मैं बात करूंगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी की। ठीक है, तो इसमें एक पी ए पूरा कंप्लीट आएगा, पी ए पूरा कंप्लीट आएगा, पी बी पूरा कंप्लीट आएगा, और पी सी पूरा कंप्लीट आएगा। अब माइनस करेंगे हम, तो देखो जब मैंने ए और बी को कंबाइन किया, जब मैंने ए और बी को कंबाइन किया, तो ये बीच वाला पार्ट जिसको मैं बोलूंगा यहां पे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है कितना, ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन कहलाता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो बार काउंट हुआ है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार माइनस कर दो। अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा बहुत काम की बात है, पीबी और पीसी की, तो जब मैंने इन दोनों को दो बार ऐड किया, मतलब दोनों को जोड़ा, तो एक बार ये इसमें आया और एक बार ये इसमें आया, जैसे कि आपका ये पीए प्लस पीबी किया तो एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया, तो एक बार माइनस किया। इसी तरह मुझे इस वाले पोर्शन को ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने पीबी जोड़ा पीसी जोड़ा तो उसमें वाला पोर्शन दो बार आ चुका है, तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये पोर्शन मैं माइनस करूंगा, ध्यान दीजिएगा बहुत काम की बात बता रहा हूं, माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। अगली बात, इसी तरह जब मैं ए और बी, ए और सी जब आपने जोड़ा, आपने ए को भी कंप्लीट लिया, सी को भी कंप्लीट लिया, तो जब भी आपने इसको जोड़ा तो उसमें ये वाला पार्ट दो बार आया, ये वाला पार्ट दो बार आया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा एक बार, तो ये कितना आ गया पी ए इंटरसेक्शन सी। अब एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, जब आपने इस वाले को माइनस किया तो ये बीच वाला पोर्शन एक बार हट चुका, जब आपने, मैं इस बीच वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, इस बीच वाले पोर्शन की, देख रहे हो आप ये खिचड़ी पकड़ी है यहां पे, जब आपने इसको माइनस किया इतने पोर्शन को, तब ये एक बार माइनस हो गया, जब आपने इसको माइनस किया तब ये दूसरी बार माइनस हो गया। ठीक है, और जब आपने इसको माइनस किया तो फिर ये तीसरी बार माइनस हो गया। तो जब ये तीसरी बार माइनस हो गया तो इसका मतलब है क्या, जब ये तीन बार माइनस हो गया तो यहां पे गड्ढा हो गया, ये चीज छूट गई, ध्यान देना, ये बहुत लॉजिकल आपको बता रहा हूं। अब जो आपने बनाया फॉर्मूला ये इसके लिए है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा